मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुरा अहमदाबाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पिरिफॉर्मिस क्या है, शरीर में कहाँ आता है। पिरिफॉर्मिस मसल्स का नाम है जो हमारे हिप जॉइंट में पीछे की साइड आता है। ये जो हमारा बटक्स होता है वहाँ पीछे की साइड पिरिफॉर्मिस मसल्स आता है। पिरिफॉर्मिस मसल्स में किसी भी रीजन से सूजन आ जाती है या खिंचाव हो जाता है, उसके हिसाब से पिरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे से जो नर्व पास होती है, जो नर्व पास आती है उसको कंप्रेस करने के बाद हिप जॉइंट से बटक से पूरा पीछे लेके हमारे पूरे पैर में, पैर की उंगलियों तक जो पेन जाता है उससे हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। मैं आपको बताता हूँ, पिरिफॉर्मिस मसल्स यहाँ पीछे की साइड आता है, उसके नीचे से जो नर्व जाती है उसको प्रेस करके जो यहाँ तक हमारा पूरा पैर में, पैर की उंगलियों तक जाता है उसे हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अभी जो नस दबती है उसे बोलते हैं हम साइटिका नर्व। पिरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे जो कंप्रेशन उसे नस दबती है उसे बोलते हैं हम साइटिका नर्व। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि साइटिका नर्व क्या है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप उसे देख लो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि साइटिका नर्व क्या है, वो कहाँ से शुरू होती है, किस तरह से बनती है और पिरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे वो कहाँ से कहाँ पास होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें जो हमारा बटक्स का पार्ट है उधर हमें हॉट फॉर्मेशन मीन्स गर्म पानी से हमें सेक करना होगा। दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हो 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन गर्म पानी आप जितना सहन कर सको उतना ही आपको लेना होगा। 10 से 15 मिनट के लिए आप कर सकते हो, जिससे पिरिफॉर्मिस मसल्स पे आई सूजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो है मेल है जो जेंट्स है उनके लिए है। उनके लिए एक क्यों है, जब भी राइट लेग में आपको पेन होता होगा या तो लेफ्ट में होता होगा, लेकिन जब भी आपको राइट लेग में पेन होता है बटक से पीछे की साइड से पूरा, हमारा वॉलेट जो मेल है वो वॉलेट भी वहां ही रखते हैं, इधर वॉलेट रखते हैं और वो वॉलेट के पीछे ही हमारा पिरिफॉर्मिस मसल्स आता है। अभी आप वॉलेट रखोगे उसके बाद आप जब भी सिटिंग पोजिशन में आओगे बैठोगे तो वॉलेट का प्रेशर हमारे वहां पे पिरिफॉर्मिस मसल्स पे आएगा, उधर प्रेशर आएगा तो वो आएगा साइटिका नर्व पर प्रेशर आएगा और आपका पेन और ज्यादा बढ़ेगा। वहां पे आपको वॉलेट नहीं रखना है, जब भी आपको ग्लूटियस मसल्स या बटक्स में यहाँ से पीछे से जो पेन होता हो तभी आपको आपका वॉलेट वहां पे नहीं रखना है, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। आप यदि वहां पे वॉलेट रखोगे तो आपकी रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होगी, वहां से वॉलेट निकाल दोगे और कोई जगह पे रखोगे जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी और वहां का कंप्रेशन कम हो जाएगा। ये है पहली डोज जिसे आपको करना होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मीन्स हमें पिरिफॉर्मिस मसल्स की ताकत को बढ़ाना होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्यों? क्योंकि दोबारा ये पेन ना हो उसके लिए हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करनी होगी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से करनी है आपको एक्सरसाइज। मैं आपको बताता हूँ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को कम करने की एक्सरसाइज। उसके लिए सबसे पहले आपको लेट जाना होगा, इस तरह से आपको सुपाइन पोजीशन में सीधा इस तरह से आपको लेटना होगा। फिर जिस पैर में आपको पेन है, बटक्स में जिधर पेन है, इसको इस तरह से मोड़ देना होगा। फिर उसके अपोजिट हैंड से आपको आपके शोल्डर तक इस तरह से अपोजिट इस तरह से आपको खींचना होगा। इस तरह से आप खींचोगे तो आपके बटक्स में जहाँ पिरिफॉर्मिस मसल्स आता है वहां पे आपको थोड़ा सा इधर स्ट्रेच फील होगा, आपको खिंचाव लगेगा। इस तरह से आपको करना है, फिर इसको होल्ड करना होगा। आपको 5 किलो तक होल्ड करो, 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस से छोड़ दो। फिर वापस से इस तरह से करना होगा, अपोजिट हैंड से आपको लेना होगा। जिस पैर में आपको दर्द हो अपोजिट से, समझो आपको लेफ्ट लेग में पेन है तो आपको राइट हैंड से इस तरह से खींचना है, उसमें ये स्ट्रेच ये शोल्डर तक लाना होगा, लेकिन इसमें इस तरह से पूरा आपको घूमना नहीं है, इस तरह से लाकर आपको 5 गिनने हैं, तब तक आपको इसको खींचे रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर छोड़ दो।
आपको मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। इस तरह से आपको पैर को मोड़ना है, अपोजिट हैंड से आपको नीचे इसको होल्ड करना, इस तरह से पकड़ना होगा, फिर शोल्डर को इस तरह से खींचो, इसलिए आपको यहाँ पे खींचा होगा, पांच गिनना है, पांच गिनने के बाद इसको छोड़ दो। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज पांच बार कर सकते हो, 4 to 5 टाइम ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज में बताता हूँ, वो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको दोनों पैर को मोड़ देना होगा। आपको जिस पैर में पेन हो, समझो आपको राइट पैर में पेन है, तो राइट पैर को आपके दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से लगा देना होगा इस पोजीशन में। उसके बाद जो पैर में पेन है उसको नहीं, लेकिन अपोजिट पैर को इस तरह से खींचना होगा। आप इस तरह से खींचोगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। इस तरह से आपको इसको खींचे रखना है और 5 काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस से छोड़ दो। फिर वापस से इस तरह से आप इसको पकड़ के करो, 1, 2, 3, 4, 5, वापस से छोड़ दो। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसे भी आप 4 से 5 बार कर सकते हो दिन में, 2 से 3 बार सुबह उठने के टाइम पे और रात को सोने के टाइम पे जरूर करें। ये 2 टाइम आपको फिक्स पकड़ के रखना है, जिससे आप कहीं पे भी हो तो ये एक्सरसाइज कर सके। और तीसरी एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको उल्टा लेटना होगा और जो तुम्हारा बेड है उसकी किनारे पे आके, जिस पैर में आपको पेन है उस पैर की किनारे पे आकर इस तरह से पैर को नीचे छोड़ देना है, फिर उसको इस तरह से ऊपर उठाना होगा। इस तरह से देख लिया, इस तरह से ऊपर उठाना होगा, ऊपर उठा के 5 गिनने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये पैर को फोल्ड करना होगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। इस तरह से उल्टा लेट जाओ, पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर के नीचे नीचे रख दो, फिर इसको ऊपर उठाना है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दो। वापस से देखो आप एक बार, ये पैर मेरा जो है दूसरे पैर के नीचे नीचे ऊपर है, फिर इस तरह से इसको ऊपर उठाना है। आपको 5 गिने तब तक होल्ड करो, फिर रख दो। इस तरह से अपना जो पिरिफोर्मिस मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। दूसरी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं, इसके लिए भी आपको उल्टा ही लेटना होगा। इस तरह से आप उल्टे लेट जाओ, फिर दोनों पैर को इस तरह से मोड़ देना है, फिर दोनों पैर को बाहर की ओर इस तरह से लाना होगा, इस तरह से बाहर की ओर। इस तरह से करोगे तो भी आपका पिरिफॉर्मिस मसल्स का स्ट्रेच होगा। इस तरह से अब बारी बारी एक पैर का देखो, इस तरह से बाहर की ओर, दोनों को बीच में से हमें बाहर की ओर लाना होगा, इसलिए आपको स्ट्रेच फील होगा वहां पे। ये आप कर सकते हो एक पैर में, तो आप एक पैर का भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, लेकिन दोनों पैर में करोगे तो आपको कंफर्टेबल ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक पैर में करने से इसकी मूवमेंट आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन दोनों पैर में साथ में करने से इसकी मूवमेंट आगे पीछे नहीं होगी और जो हमें स्ट्रेच चाहिए वो भी मिल जाएगा। इस तरह से आप ये 4 एक्सरसाइज पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को कम करने के लिए कर सकते हो। और उससे पहले मैंने जो आपको बताया हॉट फॉर्मेशन और वॉलेट नहीं रखना है, वो आप खास ध्यान रखें, जिससे आपका आपका जो पेन है वो फटाफट कम होगा। इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।